मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जेडीयू की विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन की ओर रुख किया और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश के इस्तीफे के पीछे की वजह वही महागठबंधन रही, जिसमें आरजेडी साथ थी। लालू यादव के परिवार पर जैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा था, लेकिन तेजस्वी ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक के बाद फौरन इस्तीफा सौंप दिया है। सियासी गलियारे में ये बड़ी खबर है, जिसमें जिस महागठबंधन के द्वारा बार बार मोदी को टक्कर देने की बात की जा रही थी, वहीं लालू परिवार के भ्रष्टाचार के आगे दम तोड़ चुकी है और नीतीश ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार की शाम अचानक बिहार से नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिलने लगा है। दोपहर में आरजेडी की बैठक के बाद लालू और तेजस्वी यादव दोनों ने ही दावा किया था कि महागठबंधन पर कोई खतरा नहीं है। लालू ने तो यहां तक कहा था कि उनकी नीतीश कुमार से बात होती रहती है और उन्होंने कभी तेजस्वी से इस्तीफा नहीं मांगा है, लेकिन कुछ ही घंटों में तस्वीर बदल गई। आरजेडी की बैठक खत्म होने के बाद शाम करीब 5 बजे जेडीयू की बैठक शुरू हुई। बैठक खत्म होते ही नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का मन बना लिया और अपना इस्तीफा सौंप दिया। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।